नमस्ते दोस्तों, बस्ते तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में लोबिया की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे झुनगा भी कहा जाता है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच तेल डालना है। तेल गर्म होने पर डालना है 1 चम्मच खड़े जीरा और 1 चम्मच सरसों दाना। सरसों और जीरा के छिटकने के बाद हमें डालना है 2 हरी मिर्च। अब मैं इस सब्जी में डालने के लिए 2 प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को डालकर सुनहरा होते तक हमें भूनना है। प्याज के सुनहरा होते तक भून जाने पर हमें डालना है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालना है। और 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालना है। साथ में स्वाद अनुसार नमक डालना है। और अब डालना है 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। सभी को डालकर अच्छे से भून लेना है। इस सब्जी में डालने के लिए मैंने 2 टमाटर लिया है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। सभी को अच्छे से मिक्स करके टमाटर की गलते तक हमको मसाला को पकाना है। जब मसाला भून जाए, इस सब्जी में डालने के लिए मैं 1 आलू ली हूँ, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके काट लिया है। आलू को डालकर भून लेना है। अब मैं यहाँ 1 कटोरी लोबिया झुनगा ली हूँ, जिसे मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था, जो फूल कर डबल हो चुका है। अब हमको इसको सब्जी में डालना है। 5 मिनट मसाला के साथ भून लेना है। मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 सीटी आते तक हमको झुनगा को पकाना है। और मैं चेक करके देख लेती हूँ, हमारी सब्जी झुनगा की सब्जी पक चुकी है। मैं इस सब्जी में 1/2 ग्लास पानी और डाल रही हूँ। लास्ट में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालना है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। 5 मिनट और सब्जी को पकाना है। यहाँ झुनगा की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब लास्ट में धनिया पत्ती डालना है और सभी को मिक्स करके आप इसे गर्मा गर्म इन्जॉय कीजिए। झुनगा आलू की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और ये सब्जी रोटी या चावल दोनों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।